साइकिल निचोड़ देगी, तोड़ देगी साइकिल के साथ। हमारे काम काम भगवान राम के मंदिर बने हुए हैं, क्या मंदिरों से हमारे देश का विकास हो जाएगा? क्या मंदिर बनेगो या देश की पहचान हिंदुत्व की है, हिंदुत्व ही देगो तो ही देश की पहचान है। ये मंदिर ही नहीं बनेंगे तो कहाँ रहेंगे? क्या ये बाबा जी लोग हैं? ये तो अपना चलो पेट भर लेंगे, हम क्या मंदिर में बैठ के भीख मांगने बैठ जाएं? पढ़े लिखे नहीं है बड़े भाई, तो आईआईटी कर रहा गया सर जिन तो को खा गए बड़े भाई, तो आईआईटी कर रहा गया तो कालो धन धरे हो अगले सी के पास, काले धन से बनवा दे लैपटॉप मार दिए। अब बाबा के जो का कालो धन हुई, बाबा जो कहां से आयो कालो धन? बाबा ये मंदिर आदमी है वो राम नाम का एक कमर ओढ़ के जनता को ठग रहा है और दिखा रहा है कि मैं राम को लाया। वो राम लाने वाला कहाँ से पैदा हो गया? गैस कितनी महंगी है, चलेगी किससे डबल इंजन की? साइकिल दौड़ेगी अब तो, साइकिल में पेट्रोल की जरूरत नहीं है, डीजल की जरूरत नहीं है। तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? चार साल है गई, चार साल से कर रहा हूँ। हाँ हाँ जो हम तुम्हारे पहले गई जो पड़ेगा वो ही लगेगा, तो आपने मान ले क्या पढ़ते ही नहीं है? हम पढ़े ही नहीं, हम पढ़े ना ही। सरकार को तैयारी कर रहे हैं जब पढ़ते ही नहीं है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बीजेपी सरकार है, बैठ जाए खप्पा बैठी जाएगा बीजेपी सरकार। अमित जाट। अमित जी सरकार कैसी लगी आप? सरकार तो देखो कि जो बोल रहे हैं कांग्रेस के बीजेपी बेकार है, बीजेपी कांग्रेस ने कहा करो बीजेपी सबसे स्वच्छ बढ़िया पार्टी है और कोई बेमानी को तो काम करे ही ना, यानी बहुत बढ़िया बात, बढ़िया काम करे हो यानी बीजेपी ने। हाँ बीजेपी ने। आप युवाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम करे हो। नौकरी की बात तो क्या है कि जो पढ़ेगा वो लगेगा, जो ना पढ़ रहे हो ना भगवत बोल रहे हो वो नहीं लगेगा। मतलब जो पढ़ेगा वो लगेगा, लगेगा चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो कोई हो। आंकड़ा पता है योगी सरकार में कितने नए युवकों को भर्ती लगी है, मिली है कुछ आंकड़ा पता है? हाँ आंकड़ा जी, मास्टर की भर्ती भाई क्या कौन करवाई थी? कांग्रेस सरकार ने करवाई, कौन करवाई थी? 10 साल है गई बीजेपी सरकार चल चल, 8 साल है गई। उत्तर प्रदेश से 5 साल, उत्तर प्रदेश हम 5 साल है गई, देश हम है गई 8 साल मोदी है जब तक भर्ती भाई ना आएगा। तो उत्तर प्रदेश का है ना, तो चुनाव तो योगी जी की बात हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं ना। मार्ट में तो मंत्री जी आएंगे और कोई ना है, श्याम सुंदर शर्मा जी। अच्छा उन्हें अलावा तो कोई पांव नहीं धर रहा हूँ, लगातार 8 बोते रह रहे, 8 बोते जब इंडियन आईजी गए। किस पार्टी से है? समाजवादी पार्टी। बसपा थे बसपा पार्टी थे, बसपा थे, बसपा से। हाँ बस भाई, आप योगी जी के गुणगान गा रहे हैं? हाँ हम योगी के भक्त हैं, योगी अंधभक्त बिल्कुल, वोट बीजेपी है। जीत रहोगे जी क्या? कब तुम जीत रहे हो? तुम किसी और को तुम्हारी आंख ना आए थे, आंख ना आए थे ना कि कह रहे कहाँ जाटिया इन्हें कहा कह भी आए ना कि आगे होती तो लगातार 8 वोट है गई हमारी तो मरे कल परसों की को 8 वोट रह रहो 40 साल है भाई मंत्री है बनते बनते ये बड़े उड़ी ना पता जब ते इनने जब ते सोचते है कि यही बात है तो वो 8 वोट कैसे बन जाता हूँ। तो बार बार बन रहे हैं तो आप लोगों के लिए कितना काम किया है उन्होंने? वो काम कर रहा है, 3 पीढ़ी निकल गई नाले में, निकलता पुलिया लिया आया हो, पुलिया डाल देंगे, पुलिया डरवा पाएगो। 3 पीढ़ी नालियों में से निकल रही। हाँ अब पुल आ गया, अब पुल आएगा, पुल आएगा तो पुल डरवा पाओ, देख के आए होंगे आगे तो निकल के आए तो क्रॉस करके आए, मैं पुलिया पर नहीं देखो मंत्री जी आएगा। मानना है कि योगी जी आएंगे फिर से? फिर से आएंगे योगी जी, फिर से आएंगे। हाँ फिर से भगवा लहराएगा? हाँ भगवा लहराएगा, हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व फिर लहराएगा। हाँ तो हिंदुत्व हिंदुओं को मजबूत कर रही है सरकार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो मायावती जी का आप सपोर्ट कर दिए इधर से, तो फिर तो खेल बिगड़ जाएगा फिर। सपोर्ट कर ना, सपोर्ट की मत बोलना है, सपोर्ट तो हमने जब बताई गया कि कह रहे का गठबंधन सपोर्ट कर रहे हो, कह तुम कितने को लाद रहे हो माया पे कहते हैं वोट मई दे के आमे को ड्रके के मारे, श्याम सुंदर शर्मा के ड्रके के मारे वोट मई दे के आएंगे सब। ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, बह एक बह हो, एक बह हो है तुम जाने तुम्हारी पीछे बह हो आदमी की सब खुले में तो अलग रहेंगे और वोट वही दे के आएंगे मंत्री जी। हाँ जी भैया क्या नाम? मेरा नाम सुमेंद्र सिंह है। हाँ जी सिंह साहब बताइए कैसी लगी सरकार? बीजेपी की सरकार बिल्कुल खराब है, इतनी खराब है कि जितने युवा वर्ग हैं युवा वर्गों की पूरी नौकरियां खा गई, कोर्ट में कोर्ट में नौकरी चल रही है, खड़े हैं ये पूरा गुणगान गा रहे हैं क्योंकि ये गमार आदमी हो, एक कोई एक विरोधी हो गांव, ये
पढ़े लिखे नहीं है। बड़े भाई तो आईआईटी कर रहा है सर जिन तो आर्थिक को खा गए। बड़े भाई तो आईआईटी कर रहा है, वो तो ग्रेजुएट आदमी हम भी और ये भी। जब कोई बात नहीं, अपने अपनी बात है। टेट की परीक्षा इन्होंने बिल्कुल रद्द कर दी, अब दोबारा करा दे, कैंसिल करा दी। और युवा वर्ग जितना है वो इसने पिछड़ा दिया है। सरकार में कुछ नया काम का, योगी की सरकार में कोई काम नहीं आया। एक काम आया योगी सरकार में, हाथरस वाले केस में इन्होंने एक दलित और लड़की को जलवा दिया, प्रशासन के द्वारा जलवा दिया। ये ऐसी सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार ने, बीजेपी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है। और इस सरकार ने जो गेहूँ चावल बांट रहे हैं, इससे पहले भी सरकार तेल चावल गेहूँ चीनी भी देती थी। और किसानों के लिए इसने ये किया कि 1900 का रेट, वो रेट 1400 और 1500 में हमारा गेहूँ बिक रहा है। 1800 वाले चावल हमारे यहाँ 1200 में बिक रहा है। लाया 8000 ना बिको सा, लाया 8000 बिको। अरे हमारी सुन ले बात है, 8000 ना बिको, लाया गेहूँ 2000 है आज, लेना 1700 है, धान बिको 3200, धान बिको 3200, चावल बिक रहे 5 रुपया किलो रिपोर्टर पे। चावल अगले सही सरकार में 1800 रुपए या कुंटल के दे के आए धान, अगले सही सरकार में। तो नए युवाओं से आप जीत नहीं पाएंगे। देखो हमारे यहाँ अखिलेश जी ने पहले भी ये एम्बुलेंस चलवाई, लैपटॉप बंटवाए, अब ये क्या कर रहे हैं कि लैपटॉप देने के और टेबलेट देने का काम किया था इन्होंने, फिर भी लैपटॉप इन्होंने अभी तक नहीं दिए। इस सरकार ने 5 साल बाद भी नहीं दिए, 4.5 साल हो गई, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हमारे देश के लिए। तो काला धन धरे हो अगले सी के पास, काले धन के बनवाए दे लैपटॉप मार दिए। अब बाबा के जोर का काला धन हुई, बाबा जोर का आया काला धन, बाबा ईमानदार आदमी है, नेक बंदा, बिल्कुल बेईमान है। चलिए आप वो राम नाम का एक कमर पे ओढ़ के, जैसे कच्चा पास में पड़ा था ढोंगी बिल्ला, वो जनता को ठग रहा है और दिखा रहा है कि मैं राम को लाया। वो राम लाने वाला कहाँ से पैदा हो गया, जो हमारे देश के अंदर जो सनातन धर्म वाले मनु जैसे की संतान थी, वो राम आए थे, उन्होंने कितनी तपस्या की थी, क्या वो राम कहाँ से लेके आई। कह रहे हैं कि फर्क साफ है, पहले रामलला टेंट में रहते थे और आज जो है आकाश सुनती इमारतों में जो है विराजमान होंगे। भगवान राम तो हमारे मंदिर घर में भी है, मथुरा भी है, हमारे हृदय भी है, हमारे गांव गांव भगवान राम के मंदिर बने हुए हैं। क्या मंदिरों से हमारे देश का विकास हो जाएगा क्या? जो हमारे छोटे भाई हैं, बंधु हैं, वो लोग जब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा उनको, वो क्या आगे बढ़ जाएंगे? मंदिर तो गांव गांव है, वृंदावन वही को नाम हुई, तो मंदिर बनेगो या देश की पहचान हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही देगो तो ही देश की पहचान है। ये मंदिर ही नहीं बनेंगे तो कहां रहेंगे? मंदिर की पहचान है ना, वृंदावन ही कायते पहचान है, वृंदावन की मथुरा की काय चीज पहचान है, मथुरा वृंदावन मंदिर थे ना आते और कोई चीज है, और कोई चीज है वृंदावन में, और कोई चीज है वृंदावन में। चलिए युवा है तो जवाब दे रहे हैं, जब हिंदुत्व को मजबूत कर रही है सरकार, जब पहचान है हिंदुत्व से तो फिर हिंदुत्व मजबूत कहते हैं। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, हमको ये राशन दे रहे हैं और जाते का हमारी पूर्ति हो जाएगी कि मंदिर से हम भीख मांगे, मंदिर में बैठ के हम भीख मांगने लगे? क्या ये बाबा जी लोग हैं? ये तो अपना चलो पेट भर लेंगे, हम क्या मंदिर में बैठ के भीख मांगने बैठ जाएं? चंदा करें हम गाम चंदा मांगे? जवाब देना दीजिए। ऐसा करो, एक मंदिर तुम अपनो बनवा लियो, हमारे यहाँ बना हुआ मंदिर, तुम मंदिर बनवा लियो अपनो, खूब मंदिर में तुम तपस्या करो, अरे तुम आपको काम करो, मंदिर तुम बनवाओ, मंदिर। चलिए चलिए कोई बात नहीं, मंदिर आपसे काम काज कैसा रहा योगी जी का? ये योगी का कोई काम काज नहीं है हमारे गांव में, क्या हमारे माठ क्षेत्र में, पूरी माठ जिले में एक भी ईंट कहीं लगी हो, एक भी अस्पताल बनाओ कि एक भी रोड बनाओ, वो रोड बनवा दे, या मंदिर से लग कोई भी बीजेपी वाला 5 काम बनवा दे हमारे क्षेत्र में, कहीं भी कोई गिनते रहिएगा। चलिए मैं भी भाई साहब, हमारे याद काम आते पहले तुम आए आगे में, पहला काम तो सड़क बन गई, का काम भी बनवा दो, सड़क बनवाई, हवा वाली बनवाई, ये सब सड़क बनने का है, लाठोर वाली लोहिया की है, लोहिया नहीं बनी, नहीं बनी सड़क बना, नहीं बनी, एक मिनट सड़क बना नहीं बनी, नहीं बनी कुछ नहीं बना, ये सड़क तो बना नहीं, और एक पानी की टंकी ढा दिया था, गांव में पानी आ रहा मीठो, गांव बाहर गांव में पाइपलाइन, हाँ गांव में मीठा पानी, मीठा पानी है, काम खा रहा पानी है,
काम कर रहा पानी है। टंकी कितनी चल रही है? आज तक किसी ने टंकी का पानी पिया है? आज तक टंकी पे कोई कार्य कोई काम करने वाला है टंकी पे? कोई यूँ बोलो एक बार बड़े बुजुर्ग है वो झूठ नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्ग झूठ नहीं बोलेंगे। मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या मानते हैं आप? ये सरकार जो है भारी निकम्मी सरकार है, केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को बांटना चाहती है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इतना बेरोजगार बच्चा डोल रहा है कि सब नौकरियां प्राइवेट में भेज दी इन्होंने, सरकारी डिपार्टमेंट बिल्कुल खत्म बनने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे के खा जाए। ये इतनी सरकार है के कगार पे, ये सरकार बेचने के कगार पे चल रही है। ऐसा ये करते आ रहे हैं, पहले भी किया था इन्होंने। कसम मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। देसी बेचने, जब हम बेच गए तो देसी बच गया। बेरोजगार बच्चे घूम रहे, सब नौकरी खत्म कर दी। किसान के लिए कुछ नहीं किया है, केवल लड़ा रहे। रेट धर दिया है 2000 का और बिक रहा है हमारा 1600 रुपए में। ये इस सरकार की खूबी है, केवल हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं और गरीब को गरीब ही रख रहे हैं। तो इस बार ये मुद्दा चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताइए? ये मुद्दा चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये मुद्दा बहुत जोर से दौड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और मेरे विचार से सब 200 से नीचे सीटें आएंगी इनकी, 150 के लगभग। और हाँ, बहुत निकम्मी सरकार है। बहुमत किसका रहने वाला? बहुमत आएगा सपा का और लोकदल का, गठबंधन की सरकार आएगी। साइकिल में इतनी दम है, साइकिल में इतनी दम है कि बहुत जोर से दौड़ेगी। नए टायर डले, नए टायर, बहुत जोर से, कोई पंचर नहीं हुई है। कह रहे हो पंचर हो गई? साइकिल में तो है सा पंचर हो, साइकिल तो आनी ना है। जो पूछो कितनी वोट है साइकिल की, साइकिल एक वोट ना आई ना, तो बीजेपी आ गई। साइकिल आएगी, कमल को निचोड़ देगी, तोड़ देगी साइकिल के साथ। कमल को, कमल का डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बोला जा रहा है कि विकास के काम और ज्यादा बढ़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन तो खराब है गए दोनों। हमारा देश का इंजन ही जो बिना पेट्रोल डीजल वाला इंजन ही साइकिल ही दौड़ेगी। इंजन पेट्रोल कितनी महंगी हो गई है, डीजल कितना महंगा है, कोयला कितना महंगा है, गैस कितनी महंगी है। चलेगी किससे डबल इंजन की? साइकिल दौड़ेगी। अब तो साइकिल में पेट्रोल की जरूरत नहीं है, डीजल की जरूरत नहीं है, कम चाहिए। महंगाई में जो है, जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो इंजन चलेगा कैसे? जी डीजल है महंगा देख रहे हैं, वह देख रहे हैं, लाया ना देख रहे, 8000 है वो, 4200 रुपए 4000 रुपए दिया संग पूंजीपति लाया खाने के बाद धान 4400 भी क्यों है? अरे हम देख के आए मार्च के, मैं धान देख के कर रहा हूँ। अच्छा तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? यार वोट स्कीम का 4 साल है गई, 4 साल, 4 साल से कर रहा हूँ। हाँ सुनो, खुल गया, जवाब देंगे। जो हम तुम्हारे पहली गई, जो पड़ेगा वो ही लगेगा। तो आपने मान लिया क्या? पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, हम पढ़े ही नहीं, हम पढ़े ना ही। कई को तैयारी कर रहे हैं जब पढ़ते ही नहीं है? तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बीजेपी सरकार है, बैठ जाए खप्पा बैठ जाएगा बीजेपी सरकार। और का जीवन में आनी ठीक है ना, भर्ती ना करे बीजेपी कैसे आ जाएगी? कुल्ले बालक फांसी खा के मर गए, भर्ती है चक्कर में नू बताओ। गांव में बेजार डोल लेंगे दुनिया मेरे को, किसानों खेतन पर हो गिनने देखा डोल नहीं, और न कोई भर्ती न करे न कछू है। हाँ बेजार कैसे? चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया।